हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव अपने यूट्यूब चैनल मैग्निफिशेंट नॉलेज पर आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जिससे ये सारी नॉलेज दूसरों तक भी पहुँचती रहे। तो आज मैं आपके साथ एक रोचक जानकारियां लेकर के आया हूँ कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो मैं कुछ जानकारी उसके बारे में लेकर के आया हूँ जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उत्तर प्रदेश का जन्म कब हुआ? उत्तर प्रदेश का जन्म 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। उससे पहले उत्तर प्रदेश को हम दूसरे नाम से जानते थे, जो कि उसका पूर्व नाम था संयुक्त प्रांत, और इंग्लिश में उसको बोलते थे यूनाइटेड प्रोविंस। तो उसके बाद यूपी का नाम पड़ा था 1 अप्रैल 1937 को। उत्तर प्रदेश जो है भारतीय एवं हिंदू धर्म के इतिहास से बहुत बड़ा योगदान देता रहा है। जैसे इसमें बहुत सारे हिंदू धर्म के जो अपने तीर्थ स्थल हैं, जैसे अयोध्या जी हैं, मथुरा जी हैं और हस्तिनापुर, बहुत बड़े बड़े हिंदू धर्म में जो आस्था के केंद्र हैं वो बने रहे हैं। उत्तर प्रदेश आधुनिक भारत के इतिहास और राजनीति का केंद्र बिंदु भी रहा है, और यहाँ के निवासियों ने जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और राजनीति का केंद्र बिंदु यह इसलिए रहा है क्योंकि भारत की राजनीति का जो प्रधानमंत्री का पद है या प्रधानमंत्री की दौड़ में जो भी पार्टी रहती है या केंद्र में सरकार की सत्ता में आने के लिए तैयार होती है, वो यूपी का ही रास्ते से जाकर गुजरती है। क्योंकि यूपी में बहुत बड़ा राजनीतिक क्षेत्र है, इसमें काफी सारी विधानसभाएं आती हैं। तो कुल मिलाकर के केंद्र की राजनीति या सत्ता तक पहुंचने का रास्ता यूपी से ही होकर के जाता है। तो प्रदेश का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया जो पहले था संयुक्त प्रांत, बाद में 1 अप्रैल 1937 को ये उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। और इसकी आबादी जो कुल आबादी है वो 20,42,50,000 है, और ये आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 240,928 वर्ग किलोमीटर है। और हम इसके सीमावर्ती राज्यों के बारे में बात करें तो इसके सीमावर्ती राज्यों में उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार व झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान, और दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। जो यूपी है इसकी जो सीमाएं हैं इन राज्यों से या इन जो देश मैंने बताया जैसे नेपाल, इनसे लगती हुई है। तो इसका जो उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं, उच्च न्यायालय इनका इलाहाबाद है और खंडपीठ उसकी एक लखनऊ में है। और यहाँ पे जो भाषा है वो हिंदी है, प्रथम हिंदी है और सेकंड उर्दू भाषा राजकीय भाषा में गिनती होती है। उर्दू को 1989 में इसको इसका प्रावधान दिया गया था कि उर्दू को भी सेकंड भाषा के बारे में जाना जाएगा। और इसके हम मंडल के बारे में बात करें, संभाग के बारे में बात करें, तो ये कुल 18 जो संभाग हैं यूपी के अंदर, और टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 75 डिस्ट्रिक्ट इसके यूपी में हैं। और अगर हम बात करें विधानमंडल की, तो विधानमंडल जो है त्रिसदनात्मक है और विधानसभा सदस्यों की संख्या जो है इसमें 404 404 है। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटी है यूपी की वो इलाहाबाद है, जो कि सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में नाम जाना जाता है। और इलाहाबाद एक तीर्थराज संगम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इलाहाबाद में गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती जी का संगम हुआ है। इस प्रकार भी यह है काफी तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। तो यह काफी इस मामले में भी इलाहाबाद आगे आता है। और यहाँ के जो हम बात करें कि एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर अभी 5 होने वाले हैं। जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने के लिए जा रहा है। और अब हम यूपी में नगर निगम की बात करें तो नगर निगम वाले शहर टोटल 13 है। और राज्य चिन्ह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। राज्य चिन्ह के बारे में हम बताना चाहेंगे कि एक गोल वृत्ताकार
व्रत के अंदर दो मछली और एक तीर धनुष का निशान है जो 1938 में यूपी ने इसको यूपी के लिए इसको अलॉट किया गया था या बनाया गया था। और हम बात करेंगे आज के पशु की, तो राज के पशु यहाँ बारहसिंगा है यूपी का। और राज के पक्षी के बारे में बात करें तो राज के पक्षी सारस या क्रॉन्च जिसको कहते हैं वो है। और राज के वृक्ष यूपी का वृक्ष हो। और राज के फूल पलाश, पलाश के फूल को 4 नवंबर 2011 को मतलब इसकी मान्यता दी गई थी। और राज के खेल जो है वो हॉकी है। और यूपी के जो प्रमुख उद्योग है वो पीतल के बर्तन बनाने के लिए जैसे मुरादाबाद फेमस है, ताला के ताला मेरठ सॉरी अलीगढ़, कैंची, चीनी, सूती कपड़ा, सीमेंट, कांच, गुड़ इत्यादि इसके प्रमुख उद्योग है। तो इसमें शुगर के बारे में अगर बात करें तो भारत की जो पहली शुगर मिल थी वो भी यूपी के अंदर लगी थी, प्रतापपुर देवरिया के अंदर 1903 में। ये काफी पहले शुगर मिल लगी थी तो वो यूपी की जो लगी यूपी के अंदर ही लगी थी सबसे पहले शुगर मिल। और अगर हम टोटल शुगर मिल की बात करें तो यूपी के अंदर 124 शुगर मिल आज के टाइम में एट प्रेजेंट कार्य कर रही है। और हम विद्युत उत्पादन के बारे में बात करें तो पहले स्थान पर है ताप या विद्युत उत्पादन, ये इसमें भी पहले स्थान पर है। और हम कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो 48 राष्ट्रीय राजमार्ग यूपी में स्थित है, यूपी से होकर गुजरते हैं। और विश्व का सबसे पहला सॉरी सबसे लंबा विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो भी यूपी में गोरखपुर का है। और यूपी के अंदर काफी चीजें जैसे ताजमहल हुई, फिल्म सिटी अभी नोएडा में बनने वाली है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई है, शुक्रताल है, बदुरकोटी बिजनौर में है, तो काफी चीजें यहाँ पर घूमने लायक भी है। हिंदू इतिहास से भी यह बहुत ज्यादा फेमस है। और भारत का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है वो भी हस्तिनापुर में है जिसको 1986 में बनाया गया था। और इसका जो एरिया है 2073 किलो वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो काफी बड़ा एरिया होता है। और यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं वो प्रमुख नदियों का गंगा और आपकी यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा काफी नदियां हैं जो इस तरह की यूपी में प्रमुख नदियों में जानी जाती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की थोड़ी राजनीतिक, तो राजनीति में नगर निकाय वाले कुल नगर यहाँ पे 630 हैं। और नगर निकाय जो निगम है जो मैं आपको बता रहा था नगर निगम के बारे में वो 13 है। और जो पालिका परिषद है वो 194 है। और नगर पंचायत है 423 और जिला पंचायत जो है वो 75, ऐसा कि जैसे जिले 75 है तो 75 जिला पंचायत भी हो गई है। और क्षेत्र पंचायत है 821 और न्याय पंचायतें हैं 8135। और हम ग्राम पंचायत या ग्राम सभाओं की बात करें तो 51914 है। और यहाँ पर कुल गांव जो है गांव की संख्या है 107452। तो ये काफी बड़ा एरिया हो जाता है यूपी में, काफी जनसंख्या वाला प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर अगर हम कुल कारागार संस्थाएं जो कारागार है हमारी उसकी बात करें तो 65 है। और प्रदेश में जो जिला कारागार है वो कुल उनकी संख्या है 54। तो ये भी काफी बड़ी संख्या हो जाती है। तो ये है इसमें काफी बड़ा एरिया है और भौगोलिक दृष्टि से भी ये काफी बड़ा हो जाता है। और यहाँ की जो जलवायु है वो काफी मिलती जुलती है बाकी स्टेट से भी। तो यूपी जब बंटवारा हुआ था तो यूपी पहले 425 यहाँ पे विधानसभा होती थी। उसके बाद जब बंटवारा होने के बाद यहाँ पर 404 विधानसभा ही रह गई थी, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर बंटवारा होने के बाद उत्तराखंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड एक नया बन के प्रदेश सामने आया था। तो कुछ विधानसभाएं उसमें चले गई, 13 जिले काट करके उत्तराखंड बना दिया गया था। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट वहां पर चले गए थे। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश काफी चीजों में काफी आगे है, जनसंख्या ले या कई चीजों का उत्पादन के मामले में ले तो काफी आगे है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश के बारे में काफी रोचक जानकारियां। ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें जिससे ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।